तेरे को क्या लगा? तेरे ट्रांसफर ऑर्डर का अर्जी पे आया है तू? गलत, मेरे मर्जी से आया है तू। जयकान शिखर का एरिया में आया है तू। वेलकम टू गोवा सिंघम। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। जंप हेल मोगैम्बो, जंप हेल मोगैम्बो, जंप हेल मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ। तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है। गोवा के मैप में जिस गांव का नामू निशान नहीं है, उस गांव में बुलाया मेरे को, मेरे को। इसलिए अब मैं तेरे को यहां बुलाया, जहां मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेब में रहते हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। सब तो दे दिए, लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था, वो भी ना रखता तो आज तुम अनछूना हो गए होते। कुमार साहब, अब मेरा नहीं तुम्हारा उड़नछू होने का वक्त है। तुम काओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाए दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो देख चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, वो जैसे ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा, मैं मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। बहाली का यहाँ का करने आए हो? इस जगह का नाम वासीपुर है, समझ गए? यह तमाशा चल रहा है का? चलो। अरे वो धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट में, हमने सुना यही उठाक लाया है। प्रताप सिंह, गुड मैन, केसरी आप फैलाती, वेरी बैड मैन। पलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना? इवा से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। अब तू मरने से पहले 1,000 बार मरेगा। आली रे आली, आता तुझी बारी आली।